अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के बाद फाइनल मरहला आ गया है और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब अब्दुल क्यूम नियाज़ी साहब मुंतखब हो चुके हैं। बड़ी सरप्राइज़ इंट्री हुई है और चूँकि कहा यह जा रहा था कि वज़ीर आज़म के बड़े तगड़े उम्मीदवार थे सरदार तनवीर अलिया साहब और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, और इन्हीं के दरमियान लॉबिंग भी हो रही थी। गुज़श्ता एक महीने से हम इलेक्शंस कवर करते रहे, उस पर प्रोग्राम्स भी किए और मोमेंटम बना हुआ था और माहौल भी और सियासी पंडित भी तजियाकार भी यही बता रहे थे कि वज़ीर आज़म जो है वो तनवीर अलियास होंगे। लेकिन यहाँ पे बड़ी सरप्राइज़ एंट्री हुई बैरिस्टर सुल्तान महमूद के नाम और सरदार तनवीर अलियास के जो नाम थे इन पे गौर किया जा रहा था, और साथ ही साथ दिगर लोगों के इंटरव्यूज़ भी हुए जिसमें अज़र सादिक भी शामिल थे, डॉक्टर निसार अंसर अब्दाली भी शामिल थे और अब्दुल क्यूम नियाज़ी साहब। किसी को भी ये नहीं पता था गुज़श्ता रात तक कि ये सरप्राइज़ होगा, लेकिन कहा यह जा रहा था कि शायद जो हैवी वेट हैं उनके नाम नहीं होंगे वज़ारत उस्मा के लिए, और वही हुआ। सरदार अब्दुल क्यूम नियाज़ी खान साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने मुंतखब किया वज़ारत उस्मा के लिए, और ये बड़ा एक सरप्राइज़ भी था। और कश्मीर के जो तजियाकार हैं, वहाँ के जो सियासी बसीरत रखने वाले लोग हैं, वो इस फैसले को खुशाइंद करार दे रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि अब मुजफ़राबाद जो कि आज़ादी का बेस कैंप है वहाँ से, और ख़ास तौर पे जब हम एलओसी की बात करते हैं तो ख़ुद LA 8 पूंछ वन से ताल्लुक़ है सरदार अब्दुल क्यूम नियाज़ी साहब का। एलओसी बिल्कुल इन वहाँ से चंद मीटर्स के फासले पर है जहाँ इनका घर है, और ये एक अच्छा आगाज़ होगा वहाँ के पसमंदगी दूरों की आज़ादी तहरीक को भी सपोर्ट मिलेगी, और एक अच्छा खुशाइंद फैसला करार दिया जा रहा है। इस पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है जनाब काशिफ मीर साहब ने, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हैं मुजफ़्फ़राबाद से और थ्रू आउट द इलेक्शन वो कवर करते रहे और वो लिखते भी हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ मीर, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। जी बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर साहब, मुझे आपकी आवाज़ जी। काशिफ मीर साहब, किस तरह देखते हैं इस फैसले को? आप भी वहाँ मुजफ़्फ़राबाद में मौजूद रहे, थ्रू आउट द इलेक्शन आपने कवर किए, हम भी वहाँ थे, किस तरह देखते हैं? बिल्कुल भी किसी ने सोचा भी नहीं था कि शायद अब्दुल क्यूम नियाज़ी साहब वज़ारत उस्मा के इतन का जो सेहरा है उनके सर सजेगा। बाग जलसे में बड़ा एक तफरी के अंदाज़ में जनाब इमरान खान साहब ने उनका नाम भी लिया था कि नियाज़ी यहाँ आ गए, नियाज़ी हर जगह फैल गए, तो उसके बाद थोड़ा सा एक मोमेंटम बना ज़रूर था, लेकिन किसी को भी ये यकीन नहीं था कि अब्दुल क्यूम नियाज़ी साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनेंगे। अब चूँकि वो बन चुके हैं, आप मुजफ़्फ़राबाद में मौजूद हैं, क्या माहौल है, किस तरह इस फैसले को देखा जा रहा है मुजफ़्फ़राबाद में? देखें, कुछ देर कबल ही हिस्बतदारी की तकरीब हुई और उसके बाद जो नए जो वज़ीर आज़म थे उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, और अभी यहाँ से वहाँ पे जो उनसे जो अवाम की एक जो बड़ी तादाद है वो वज़ीर आज़म से और जो सीनियर वज़ीर है सरदार तनवीर अलियास दोनों से लोगों की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। तो जहाँ तक बात है वज़ीर आज़म के इंतखाब की कि सरदार जो क्यूम नियाज़ी हैं इनका इंतखाब कैसे हुआ, तो ये बुनियादी तौर के ऊपर ये गुज़िश्ता चंद माह से ये महसूस किया जा रहा था कि चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शुरू से दो बड़े धड़े रहे हैं, एक बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का धड़ा और दूसरा सरदार तनवीर इलियास खान का धड़ा, तो दोनों एक दूसरे को वज़ीर आज़म के तौर के ऊपर वज़ीर आज़म के तौर के ऊपर कबूल करने के लिए किसी भी तौर के ऊपर तैयार नहीं थे, खासकर के बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी यकीनन वो चूंकि पार्टी सदर भी थे, वो 6 साल पहले उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया था, और मेरा ख्याल है कि वो उनकी कोशिश यही थी कि वज़ीर आज़म वही बने उनके साथ वाला, कि उनका कुलीग भी वज़ीर आज़म ना बन सके, तो यही सिचुएशन दूसरी तरफ भी हमें नज़र आई, और ये हमें लग रहा था इलेक्शन से पहले ही कि जो वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़ियादत है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और फिर हुआ भी वही कि 25 जुलाई को इंतखाबात होंगे और आज आप देख रहे हैं कि उसको तकरीबन 8 दिन से ज्यादा गुजर गए, और गुज़िश्ता रात तक भी ये फैसला नहीं हो सका था कि कौन वज़ीर आज़म आएगा। तो रात को हमें ये इत्तला मिली थी कि दडयाल जो हल्का वन है आज़ाद कश्मीर असम्बली का, वहाँ से जो मेंबर असम्बली हैं जो मुंतखब हुए उनको
वजीर आजम आजाद कश्मीर बनाया जा जी, रहा है, अजहर सादिक का नाम चल रहा था जी। जी बिल्कुल, क्योंकि अजहर सादिक के नाम के ऊपर वजीर आजम इमरान खान जो है वो रजामंदी ले रहे थे सदातमर इलियास खान से और बरसर सुल्तान महमूद चौधरी से, तो दोनों ने उसके ऊपर अपने तहफात का इजहार किया, जिसके बाद उनका नाम तो शायद पार्टी को ड्रॉप करना पड़ा, लेकिन उसके बाद थर्ड पार्टी को देखा जाने लगा कि इसके ऊपर दोनों फ्रीक कहीं ना कहीं तो राजी हो सकते हैं, क्योंकि ये तो रात को ही तय हो गया था कि दोनों बड़े धड़ों के लोगों को अगर वज़ीर आज़म बनाया गया तो फिर वो शायद हुकूमत नहीं चल सकेगी या उसको वोट नहीं पड़ सकेगा और फिर एक उलझाव की कैफियत पैदा हो जाएगी, और फिर उस उलझाव की कैफियत को आज इलेक्शन का जब शेड्यूल जारी हुआ हुआ था जिसमें कागजात नामजदगी जब जमा कराए जाने थे तो उससे थोड़ी देर कबल ही उसको हल किया गया। जो वज़ीरे उमूर कश्मीर हैं अली अमीन गंडापुर, वो सुबह सवेरे इस्लामाबाद से मुजफ्फराबाद आए, पार्टी के लोगों से मिले, मुशावरत हुई और लेट नाइट ही चूँकि तय पा गया था कि सिदार क्यूम न्याजी हैं उनके ऊपर बरसर सुल्तान महमूद जो ग्रुप है उनको कोई बहुत ज़्यादा एतराज़ नहीं था। ठीक, तो इनको बेसिकली जो सिदार क्यूम न्याजी हैं ये चूँकि साबिक वजीर भी रहे अच्छा, काशिमीर बताइएगा सदार तनवीर अलियास साहब के साथ आपकी बड़ी कुर्बत भी है, आपने कवर किए भी किए उनके जलसे, आप उनको समझते भी हैं, अब बड़ा मुश्किल होता है, ज़रा उनका नाम था वज़ारत उस्मा के लिए, अब क्या कम्प्लीटली अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब को उनकी सपोर्ट हासिल है, और आप चूँकि वो मोस्ट सीनियर वज़ीर भी की जो मिनिस्ट्री है उनको मिल चुकी है, आप समझते हैं कि पूरी सपोर्ट हासिल है, क्योंकि ये जो लॉबी वाला फैक्टर था, शायद बैरिस्टर साहब भी अपनी लॉबिंग कर रहे थे, तनवीर अलियास साहब भी हॉट फेवरेट तो थे, लेकिन ज़ाहिर अब डिसीजन पार्टी की तरफ से आ चुका है, प्राइम मिनिस्टर आज़ाद पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने ये फैसला दे दिया, अब तो वो वज़ीर आज़म बन चुके हैं, तो अब आपको लगता है कि वो जो एक विजन था तनवीर अलियास साहब का इस पूरे खत्ते को लेकर वो इसी तरह चलेगा या उसमें कोई कमी नज़र आ रही है आपको? देखें, हमारा चूँकि तनवीर अलियास साहब से गुज़िश्ता 10-12 साल का एक बड़ा करीबी ताल्लुक रहा, हमने उन्हें प्राइवेट बिजनेस में भी देखा है और पंजाब के सेटअप में भी, हुकूमती सेटअप में भी हमने उन्हें एक बड़े मुतर्रक किरदार के तौर के ऊपर देखा है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं तो जिस तरह से इमरान खान चाह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत तेज़ी से काम हो, तो वो हमें ये लग रहा था कि वो शायद बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं, तो अब जो सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का जो इंतखाब किया गया है चूँकि ये भी एक्सपीरियंस हैं लेकिन इनका डेवलपमेंट साइड के ऊपर तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो जहाँ तक बात है कि ये तनवीर इलियास की इनको सपोर्ट रहेगी तो सरदार तनवीर इलियास ने ही इन्हें उम्मीदवार के तौर के ऊपर सामने लाया और उसके ऊपर रजामंदी की बरिश सुल्तान और उनके ग्रुप ने भी हासिल की गई। आज हमने देखा कि ऐवान के अंदर जब वोटिंग हो रही थी तो बरिश सुल्तान महमूद ने अपना वोट कास्ट किया, उनके साथ जो करीबी जितने लोग थे उनके मेम्बरान थे उन्होंने भी वोट कास्ट किया, लेकिन वो वोट कास्ट करने के बाद ऐलान होने तक वो नहीं रहे, ऐवान से निकल गए बरिश सुल्तान महमूद खुद, बाकी लोग उनके सारे बैठे रहे, और जब कायद ऐवान ने तकरीर करनी थी और जो अपोजिशन की तरफ से जिस उम्मीदवार को वज़ीर आज़म के लिए लाया गया था उन्होंने तकरीर करनी थी उस पर बरिश सुल्तान महमूद पीटीआई की तरफ से वो वाइड रुकन असम्बली से जो ऐवान में मौजूद नहीं थे वो के लग ये रहा था कि शायद उनके तहफात इसके ऊपर अच्छे खासे हैं और यकीनन वो खुद कैंडिडेट थे और उनके लिए ये शायद बर्दाश्त करना भी शायद खासा मुश्किल था, लेकिन सरदार क़य्यूम नियाज़ी को सरदार तनवीर इलियास और उनके पूरे ग्रुप ठीक है काश्मीर ये तो पार्टी का, और अब्दुल आपने बरसर सुल्तान महमूद का पॉइंट ऑफ व्यू भी बताया, तनवीर इलियास साहब की चूंकि रिकमेंडेशंस थी तो वो तो इनको ऑन भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, और मैंने देखा कि बाग के जलसे में जब प्राइम मिनिस्टर आए थे वहाँ पे तो उस वक्त भी वो साथ ही स्टेज पे बैठे थे पूरा डिवीज़न और वहाँ के जो कैंडिडेट थे उनके साथ थे, वहाँ के जो सहाफ़ी हैं बाकी जो सियासी हलके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है मुस्लिम लीग नून है वो इस फैसले को किस तरह देख रही है, मुजफ्फराबाद इस फैसले को किस तरह देख रहा है? देखिए, जो साबिक वज़ीर आज़म जो आज तक वज़ीर आज़म रहे राजा फारूक अदर मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह हैं, तो जिनको उन्होंने मुझे टेलीफोन करके तो ये जानना चाहा कि ये नई तब्दीली कैसे आई है और सरदार क़य्यूम जो नियाज़ी का नाम कैसे आया है, तो ये सारे लोग सरप्राइज हैं, वो खा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत तो चौधरी लतीफ़ अकबर जो है उनके सदर हैं, मेरी उनसे भी बात हुई वो भी सरप्राइज थे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद बरसर सुल्तान या तनवीर इलियास किसी किसी का नाम आएगा, लेकिन यहाँ पे या ख्वाजा फारूक का भी शायद नाम डिस्कस बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो वो भी बड़ा सरप्राइज रहे कि ये किस तरह से
नया नाम सामने आ गया और उसके ऊपर सारे लोग रजामंद भी हो गए। आज सुबह तक ही जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं, क्योंकि जो अभी असेंबली जो बनी है, नए लोग जो आए हैं, तो इनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन की एक बड़ी पार्टी के तौर के ऊपर सामने आई है, तो यकीनन वो अपना कायदे बेखिलाफ है वो अपना ले भी आएंगे ऐवान में। चौधरी लतीफ अकबर साहब के बारे में पीपल्स पार्टी ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो शायद किसी पीटीआई के किसी एक धड़े से सपोर्ट लेके, किसी नाराज ग्रुप से सपोर्ट लेके वो शायद लतीफ अकबर साहब को वजीर आज़म बनवाने के चक्कर में भी थे। इसीलिए हमने ऐवान में देखा कि जो सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनका ये मुतालबा रहा स्पीकर से कि जी आप खुफिया रायशुमारी कराएं, आप जो वोट है वो सामने से ना दें, तो वो फिर स्पीकर ने उनकी रूलिंग जो है वो ठीक है। कश्मीर, आखिरी सवाल बताइएगा, बाकी जो कैबिनेट है वो कब फाइनल होगी, उसके लिए कौन कौन से नाम आपके जो सोर्स हैं वो क्या बता रहे हैं कि मिनिस्ट्रीज किस किस एमएलए को मिलने जा रही हैं? देखिए, एक तो वजारत आज जो आजाद कश्मीर के आइन में सीनियर मोस्ट जो मिनिस्टर की जो वजारत थी उसका नोटिफिकेशन आज जारी हो गया और सरदार तनवीर इलियास को सीनियर मोस्ट वजारत का कलमदान सौंप दिया गया, उन्होंने हेल्प भी उठा लिया। इसके बाद चूंकि पीटीआई के अंदर जो धड़े हैं सबको अकोमोडेट करने की कोशिश की जाएगी और मेरी मालूमात के मुताबिक वहाँ से जो बरिस्तर सुल्तान महमूद के जो करीबी लोग हैं उनमें से भी कुछ लोगों को वजारतें दी जाएंगी, जो सरदार तनवीर इलियास के साथ जो लोग हैं या जो बाकी लोग हैं, चूँकि वजारतें अब कम हो चुकी हैं। अब चूँकि जो मुसद्दिक नवाज की हुकूमत थी उन्होंने 13 अमेंडमेंट कर ली थी, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो फिलहाल जब तक आइन में दोबारा तरमीम नहीं करती तो 12 से ज्यादा वजारतें दे नहीं सकते, तो इसलिए इन्हें 12 वजीर ही रखने पड़ेंगे और उसके लिए मुख्तलिफ नाम जेरे गौर है, जिस से सरदार मीर अकबर हैं, इसी तरह से जो कोठरी से मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ लोग हैं जिनके नाम जो सामने आ रहे हैं। इसकी हतमी तौर पर तो किसी का शायद जिक्र नहीं किया जा सकता, लेकिन वजीर जो होंगे वो 12 ही होंगे फिलहाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया काशमीर, मुजफ्फराबाद से अपडेट कर रहे थे, वहाँ मौजूद हैं इस वक्त। और मुजफ्फराबाद जो है वो इस फैसले से खुश है और सरप्राइज़ भी है, और सरप्राइज़ होना भी चाहिए था क्योंकि जिन कैंडिडेट्स के नाम वजारत उस्मा के लिए लिए जा रहे थे वो वज़ीर आज़म नहीं बन सके, और वो नाम जिसको कोई डिस्कस भी नहीं कर रहा था वो सरप्राइज़ मिला, और अब्दुल कय्यूम न्यासी जो हैं वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के 13वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं, हल्फ उन्होंने उठा लिया है। और अब उन्होंने मीडिया से बात करते हुए भी ये बात कही कि हम तहरीक आज़ादी कश्मीर का जो मिशन है वो जारी रखेंगे और आज़ाद कश्मीर के लोगों की के जो मसाइल हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनको हल करेंगे, ख़ासतौर पे एलओसी पे, क्योंकि उनकी अपनी रहाइश बिल्कुल एलओसी के ऊपर है और वहाँ से चंद मीटर्स के फासले पर एलओसी है, और वो लोगों की उम्मीद बनेंगे। और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान चूँकि कश्मीर के सफ़ीर हैं और हम कश्मीर के सफ़ीर का ये मिशन जारी रखेंगे, किसी भी तरह जो आज़ाद कश्मीर की जो रवायती सियासत है उससे हटकर अब तब्दीली आएगी। और उसकी बड़ी वजह भी यही है कि एक ऐसे इलाके से और एक ऐसी जगह से वज़ारत उज़्मा का फ़ैसला आया, दिया गया फ़ैसला जो बिल्कुल डिस्कशन में नहीं था। ये पुंछ डिवीज़न LA 18 पुंछ 1 है और ये पूरा हल्का LOC के ऊपर है, और जब भी फायरिंग होती है तो सबसे ज़्यादा ये लोग मुतासर होते हैं, बटल सेक्टर, सेड़ा, दर्रा शेर खान, तत्तापानी और अब्बासपुर, ये वो एरिया है जहाँ से जो इस हल्के में आता है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जनाब सरदार अब्दुल कय्यूम न्यासी, इसी हल्के से मुंतखब हुए थे और इन्होंने 9000 से ज़ायद वोटों की लीड ली थी और इस मार्जिन के साथ ये असम्बली पहुँचे, और अब ये वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो चुके हैं। और उन्होंने अपनी मीडिया टॉक में ये भी कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की कोशिशों की वजह से इस वक्त LOC के ऊपर जो सीज़ फायर है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, और यही वजह है कि अब चूँकि LOC के जो हालात हैं वो ज़्यादा कशीदा नहीं हैं और रूल ऑफ लॉ और तहरीक आज़ादी कश्मीर के मिशन पर चलते रहेंगे। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक कमर्शियल ब्रेक का।